तो आज जो हम लोग वीडियो लेकर आए हैं वो है बाल। आपको देखे ना वो फिर यूं बाल आप यूं करके हटाते ना क्या दिखता है भाई। चलो तो आज जो हम जो लेके आए ना मतलब ये जो है ना वो ऐसा OSTS का डायलॉग ऐसा लगता है कुर्बान हो जाऊं। नो डाउट ये बात आपने बिल्कुल ठीक की कि कुर्बान हो जाऊं कुर्बान जाऊं मैं कुर्बान यानी कि उसने बहुत अच्छा काम किया या उसके लिए मैं कुर्बान हूं। ये बात भी हो सकती है या मोहब्बत में मैं कुर्बान हो गई। तो खैर कुर्बान OST हम देने वाले हैं आज और मंसूर अली और हमें जो कमेंट किया था शमी ने कमेंट किया था मैं तो हम उस कमेंट पे दे रहे हैं। और दिफा की बात है जब उन्होंने कमेंट किया तो हम लोग वीडियो ही बना रहे थे तो वीडियो ही हम काफी उनकी खुशनसीबी है कि हाथ बात उनकी वीडियो नहीं तो इतनी जल्दी किसी वीडियो नहीं वैसे इतनी जल्दी नहीं बन पाती। तो खैर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो बना आपके बोलने वाले सामने के लिए आपको ओहो इतना अजीज 20 साल की थी जब इसने ड्रामा बनाया। सब किसने आपने अपनी रिवायतों के निकले डालियों की ना इश्क मशहूर के अंदर तो हम अपनी इज्जत के लिए अपना सर कुर्बान करते यार इस सिचुएशन पे ना ये तो अलग ही कॉन्सेप्ट आया। हम कुर्बान कुछ और समझ रहे थे लेकिन यहाँ तो मोहब्बत की कुर्बानी हो गई और बेच दिया बेचारा वो रोड पे भिखारियों की तरह भीख मांगना शुरू कर दिया। आप ये देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इकरा जो है ना वो बिलाल अब्बास से प्यार करता है ठीक है और इनके अब्बा ने इनके फैमिली ने पैसे से जो है ना पैसे को देखते हुए शहजाद शेख से शादी करवा ठीक है। अब वो लाइफ तो अब वो प्यार तो उसका उस तरफ है ठीक है। अच्छा उसका जिस तरीके से OST में दिखाया जा रहा है उस तरीके से ये है कि इतना इकरा अजीज का दिखाया नहीं जा रहा जितना बिलाल अब्बास का दिखाया जा रहा है कि वो कितने सेक्रीफाइस कर रहा है इसमें ठीक है। पिट भी रहा है पुलिस से भी मार खा रहा है गरीब भी हो गया है वो ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट भी उस तरीके से मतलब इसका स्टार्टिंग उस तरीके से है जैसे यूनिवर्सिटी का होता है ना जैसे वो इश्क किया था ये वहाँ का कॉन्सेप्ट पूरा मतलब वहाँ से प्यार करना शुरू करते हैं। अच्छा इसमें यशमा गिल का इतना कोई कैरेक्टर मतलब OST में तो नहीं दिखाया है मुझे इतना नहीं फील हुआ लेकिन जो तीन कैरेक्टर है ना ये ट्राइंगल ये चल रहा है इसका यानी कुर्बान और कुर्बानी जो दे रहे हैं ना वो असल में बिलाल ही है जो कुर्बानी दे रहा है क्योंकि उसको नहीं मिल पाती अपनी मोहब्बत जिसकी वजह से वो इधर से बस में उधर ही उसको धक्का जाओ तुझे नहीं मिलेगी
तेरी औकात नहीं है, फलाना नहीं है। हाँ बेचारा, या तो ऐसा है कि वो मिडिल क्लास है, गरीब है, ठीक है, इस वजह से वो दब रहा है, और ये और माँ बाप इतना अजीज के बिल्कुल नहीं चाहते कि इससे हो गए, और वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे अलावा किसी से नहीं। हाँ ये ना, तो कुर्बान का मैं जब स्टार्टिंग होती हूँ कुछ और समझ रहा था कि क्या कुर्बानी होगी, बाद में बता रहा हूँ कुर्बानी मोहब्बत की कुर्बानी। आप क्या मतलब बकरा और भैंस, कौन सी कुर्बानी को लेके आप करम तो होती है कुर्बानी, तो इस पर इन्होंने बेच दिया। इन्होंने जो है ना, हाँ सही बात में अजीज की फैमिली वालों ने अजीज को बेच दिया। तो यार इस वक्त तो हमारे सामने भी रिलेटिव्स ने ये देख रहे हैं कि पैसों की वजह से गांव बोर्ड या उसकी लड़कियों को बेचते हैं, किसी बड़े को उनको बड़ी रकमें मिलती हैं, खेत मिल जाते हैं, उनकी लगान माफ हो जाती है, खर्चा होता है वो माफ हो जाता है। बस चीज़ें होती है, जब किसी ने कुछ कर दिया, कुछ फड्डा हो गया, तो भाई अब इसकी सजा ये है कि तुम्हें अपनी फला बेटी देनी पड़ेगी, ये कुछ भी इशू होता है। तो भाई ऐसा होता है, ये कुर्बानी बहुत गलत है और इस्लाम नहीं जाएगी। लेकिन आप ये एक चीज़ ये सोचो ना कि यार एक शख्स उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आप क्यों उसको अलग करें ना, मोहब्बत करने वाले को यार मना थोड़ी। और आप उसकी अगर मोहब्बत की वो मोहब्बत देखना चाहते हैं, आप उसको थोड़ा नहीं, आप उसको थोड़ा सा स्पेस देखिए, थोड़ा सा फासला रखिए, देखो जब आपको लगे फील हो ऐसा कि हाँ यार बहुत मोहब्बत करता है, ठीक है, तो आप उसको देखो यार ये दूसरे को देखे क्या फायदा है, क्या फायदा कि भले ही उसके पास पैसा है लेकिन वो एक घर नहीं तीन घर हो जाते हैं, और भले ही उसके पास पैसा ना, क्या कितना भी पैसा हो अगर मोहब्बत नहीं है तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं, आप कुछ नहीं खरीद सकते उस पैसे से। वो क्या मैं कहता हूं, उस पैसे से मोहब्बत खरीद के दिखा सकते हो, इस पैसे से मेरी मांग वापसी ला सकते हो, नहीं। तो कुर्बानी ऐसी ना देनी चाहिए कि जो मोहब्बत या फिर 10 मसले मसाइल रिश्तेदारों में भाई बहनों में लड़ाई पैदा कर, ऐसी कुर्बानी के पैदा नहीं कोई फायदा। तो आप लोग अगर ये पसंद करिए तो उनको लाइक और कमेंट्स में भी बताओ कि कोई और ड्रामा है, कोई और ओएसटी है, या कोई भी नई इंफॉर्मेटिव वीडियोज हैं, कॉमेडी स्केच हैं, पोस्टेड है, तो आप जरूर बताएं। मैं बताया बहुत सी वीडियोज अच्छी होती है जो नहीं भी पता चलती हमें, अब हम लोग इतना तो नहीं बता सकते, लेकिन आप लोगों को जो समझ में आता है आप हमें बताएं, और नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे नए अपनेपन के साथ। अल्लाह हाफिज़।